उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राप्यते स्थानं तद्योगैर
वैरभिगम्यते एकं सांख्यं च योगं च या पश्यति स पश्यति समुपस्थित समस्त आत्मस्वरूप संतजन सभी भक्तजन सभी को वंदन नमन। भगवान ने जो कर्म निष्ठा है और ज्ञान निष्ठा, कर्म संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों के विषय को यहां पर विस्तार से लिया। सांख्य निष्ठा के द्वारा जिस पद की प्राप्ति होती है, यत सांख्यै प्राप्यते स्थानम्, सांख्य निष्ठा से जिस पद की प्राप्ति होती है तत् योगैः अपि गम्यते, तो कर्म निष्ठा से भी उसी पद की प्राप्ति होती है। और चूंकि लक्ष्य की दृष्टि से जो लक्ष्य है वह दोनों वहीं पर पहुंचाते हैं, कर्म निष्ठा भी ज्ञान निष्ठा भी वही पहुंचा देते हैं, इसलिए एकम सांख्यम च योगम च, जो सांख्य और कर्म निष्ठा योग दोनों को जो एक करके समझता है, देखता है, या पश्यति स पश्यति, जो ऐसा समझता है वही समझता है, उसी की सही सही दृष्टि है। अब अगर देखो गंतव्य पर दोनों पहुंचा देते हैं, ये भगवान का कहना है, निश्रेयस करा वो दोनों कल्याणकारी है, कर्म संन्यास कर्म निष्ठा, दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा दोनों ही निश्रेयस को मिलाने वाले हैं। फिर भगवान ने कहा चौथे श्लोक में कि दोनों अलग अलग नहीं हैं, जो अलग अलग करके देखते हैं वो बाल बुद्धि वाले हैं, विद्वान लोग दोनों को एक करके देखते हैं, ऐसा कहा। फिर भगवान ने कहा कि जिस स्थान पर सांख्य निष्ठा वाले जाते हैं वहीं कर्म निष्ठा वाले भी पहुंच जाते हैं, तो एक नया प्रश्न पैदा होगा, फिर भगवान ने ये क्यों कहा था कि कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, एक दूसरे श्लोक में ही कहा था, दूसरे श्लोक में कहा था कि संन्यासा कर्मयोगश्च निश्रेयस करावो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो श्रेष्ठते, तो वो कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। जब दोनों वही पहुंचा देता है, दोनों एक है, आपने कहा चौथे श्लोक में कहा दोनों एक है, बाल बुद्धि वाले दोनों को अलग अलग करके समझते हैं, दोनों एक है और दोनों उसी लक्ष्य को मिला देते हैं, तो फिर इसमें ये क्यों कहा कि इससे ये वाला श्रेष्ठ है, ऐसा क्यों कहा, इस बात को प्रश्न उठाते हैं। एवं तरहि अगले श्लोक की संगति है, एवं तरहि योगात संन्यास एव विशिष्यते, कथम तरहि इदम उक्तम तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, ये प्रश्न है, एक प्रश्न है, एक मन में संशय आ गया कि एवं तरहि इस प्रकार से होने पर, जैसा आपने कई श्लोकों में कहा कि दोनों कल्याण करने वाले हैं और साथ ही दोनों एक हैं, दोनों को अलग अलग करके जो देखता है वो बाल बुद्धि वाला है, तो इस प्रकार से होने पर, एवं तरहि इस तरह से होने पर योगात संन्यास योग विशिष्यते, आपने जो ये कहा था कि योगात, योगात माने कर्मयोग से, संन्यास एव विशिष्यते, तो कर्म योग से इस प्रकार से होने पर तो कर्म योग से कर्म संन्यास ही श्रेष्ठ होना चाहिए। भाई देखो सीधा सा है, अब कहने का ये मतलब है कि अगर आपने दो मार्ग बताया, एक कर्म निष्ठा का और एक कर्म संन्यास का, ठीक है, दो मार्ग बताया, दोनों हमको एक जगह पर पहुंचा देते हैं, ये भी बताया, तो एक आदमी जो कर्म निष्ठा वाला है वो बेचारा बड़े पापड़ बेलते हुए बड़ी मेहनत करके वहां पहुंचता है, और दूसरा आदमी कर्म संन्यास कर दिया, कुछ किया नहीं और फिर वहीं पहुंच गया,
ठीक है ना, समझ। तो अगर दूसरा आदमी बिना कुछ किए कर्म संन्यास से ही वहां पहुंच गया, तो पहले वाले ने जो इतना मेहनत किया, घोर परिश्रम किया, वो भी वही पहुंचा, ठीक है, इतने परिश्रम के बाद। तो कहना चाहिए था कि ये जिसका परिश्रम बेकार का था, बिना मतलब के इतना मेहनत कर रहा था, बल्कि इससे ये कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, ये कहना चाहिए था। मैं समझा रहा हूं भाई, लक्ष्य वही पहुंचा रहा है ना दोनों। भगवान ने कहा कि यत सांख्य प्राप्त, सांख्य माने कर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा, तो कर्म संन्यास से जहां पहुंच रहा है। अरे एक आदमी, ये समझ लो, एक आदमी दिन भर खूब मेहनत किया और खूब मेहनत करने के बाद भी उसको चार रोटी मिली, और एक आदमी चुपचाप बैठा था, बिल्कुल हाथ पांव भी नहीं मिला हिलाया उसको, ना झाड़ू लगाया ना कोई काम किया, बिल्कुल घोर काम चोर, और उसको भी चार रोटी मिल गई। शाम को चार रोटी उसको भी घर वालों ने दे दिया। तो जिसने मेहनत किया दिन भर, तो रोटी तो चार ही मिली ना दोनों को, तो जिसने मेहनत किया उसकी बजाय बैठे बैठे खाने को मिल गया, तो ज्यादा नहीं अच्छा था। देखो इस बात का एवं तरह ही इस प्रकार से होने पर, क्योंकि फल हमको वही मिल रहा है, तो कह रहे हैं योगात्मान कर्मयोग, कर्म योग से संन्यास योग विशिष्यते। फिर तो संन्यास ही अच्छा था ना, ये कहना था कि संन्यास बढ़िया, बैठे बैठे खाओ मौज करो, कौन मेहनत करे इतना। और आपने कह दिया था क्या पहले, कथम तरह इदम उक्तम, ये बात क्यों कहा था कि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म संन्यास से कर्म योग अच्छा है। ये भाई तो ये तो जमा नहीं, फल वही मिलने वाला है ना, सब छोड़ के भी फल वही मिलने वाला है, तो इतना मेहनत करने पर भी वही मिलने वाला है, तो हम इतना मेहनत क्यों करें। ये तो कोई समझदारी की बात नहीं, कितना हमने परिश्रम किया, खोदा पहाड़ और निकली ही हद हो गई। प्रश्न नहीं समझा रहा, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है कि अगर एक ही फल की प्राप्ति दोनों को होती है, कर्म संन्यास वाले को भी और कर्म निष्ठा वाले को भी, दोनों को एक ही फल की प्राप्ति होती है, तो हम इतना परिश्रम, घोर परिश्रम क्यों करें। घोर परिश्रम करके वही फल पाना है, जब उसी से कर्म संन्यास से भी वही मिल जाता है, तो हम छोड़ बैठ जाते हैं मस्त है। भगवान ने ये को कहा कि कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो उत्तर देते हैं सवेरे इस विषय को हमने थोड़ा समझाया था। श्रुणु तत्र कारणम, तो इसका कारण सुनो। देखो श्रुणु तत्र का उत्तर है, इसका कारण सुनो क्यों भगवान ने कहा है। त्वया पृष्टम केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम च अभिप्रेत्य तयो अन्यतर कह श्रेयान। देखो त्वया पृष्टम, तुमने जो पूछा था, तुम्हारा जो प्रश्न था, तुम्हारा जो प्रश्न था, हमने क्या समझा था, भगवान कह रहे कि तुम्हारे प्रश्न से हमने क्या समझा था। त्वया पृष्टम, जो तुमने पूछा था, केवलम कर्म संन्यासम, केवलम कर्म संन्यासम माने हाँ वही चीज, उसने वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं करता। हमने सवेरे आपको समझाया ना कि संन्यास के दो विभाग कर लो है ना, और कर्म वाले का भी दो विभाग कर लो, आप समझना, एक हमने सवेरे समझाया था, कर्म वाले का भी दो विभाग हुआ। कर्म वाले का दो विभाग की एक ऐसा है जो गृहस्थ में फंसा हुआ दुनिया भर के कर्म कर रहा है, वो भी कहता है कि मैं अपना ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, कमाता खाता हूँ, बाल बच्चे को पालन करता हूँ, वो भी। और दूसरा वो है जो शास्त्र के बताए अनुसार स्रोत स्मार्त कर्म करता है निष्काम भाव से, वो भी कर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो पहला वाला भी कर्म कर रहा है और दूसरा वाला भी कर्म कर रहा है। तो एक कर्म निष्ठा से जब बात करें तो ये दो को समझो, एक संसारी आदमी का बात आती है और एक निष्काम भाव से कर्म योग करने वाले, ठीक है। ऐसे संन्यास में भी दो बात विभाग कर लो, एक संन्यास में उसका हुआ जिसका केवल लिंग संन्यास है, माने पहचान उसकी संन्यास की है, ज्ञानवान के प्रति उसकी कोई जिज्ञासा नहीं है,
वो ज्ञान से बिल्कुल वंचित है, और दूसरा वो है जो सन्यास के साथ में तत्व चिंतन में लगा हुआ है। तो सन्यास के भी दो विभाग हो गए। तो यहां पर करें केवलम कर्म संन्यासम, केवलम कर्म संन्यासम माने ज्ञान के प्रति जरा भी उसकी चाह नहीं, उधर जाता नहीं, तो बिल्कुल ज्ञान से अछूता, ज्ञान रहित जो कर्म संन्यास है, ज्ञान रहित सन्यासी है, उससे वह निष्काम कर्म योग करने वाला श्रेष्ठ है। कितना स्पष्ट है? त्वया पृष्टम केवलम कर्म संन्यासम कर्म योगम च अभिप्रेत्य तयो अन्यतरा का श्रेयम। तुमने जो पूछा था उसमें यही पूछा था ना कि कर्म संन्यास, ज्ञान रहित कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में अभिप्रेत तयो दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है आप हमको बताओ, कि हम कर्म छोड़ देंगे सब या हम कर्म को निष्काम भाव से करें शास्त्र के बताए हुए। तो हमने वैसे उत्तर दिया था कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। कितना आसान सा शब्द है, कितनी हाँ। तद अनुरूपम, देखो भगवान कहते हैं तद अनुरूपम, जैसे तुम्हारा प्रश्न था उसी के अनुसार मैंने उत्तर दिया। तद अनुरूपम प्रतिवचनम, प्रतिवचनम माने तुमने पूछा था मैंने उत्तर दिया था। क्या? मया उत्तम कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, कर्म संन्यास से कर्मयोग अच्छा है। इति ज्ञानम अनपेक्ष्य, शब्द यहीं पर देखना, इति ज्ञानम, ज्ञान की बात को अलग रखे, ज्ञान की बात को बिल्कुल अलग करके। तुमने ये नहीं पूछा था कि ज्ञानी ज्ञानी श्रेष्ठ है कि कर्मयोगी, याद रखना वहां पर प्रश्न था अर्जुन का संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, तो वहां संन्यास के साथ ज्ञान नहीं लगाया था तुमने। अगर ये पूछते कि ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ है कि कर्मयोगी तो अलग प्रश्न उत्तर होता, ठीक है ना। हाँ तो तुमने ज्ञान, देखो ज्ञानम अनपेक्ष, ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं थी, ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं थी। यहां तो सीधा एक आदमी घर छोड़ के भाग जाता है लाल कपड़ा पहन करके और जा करके बैठ गया गंगा जी के किनारे, शाम तक गंगा मैया भोजन तो दे ही देती है। गंगा जी किनारे कोई भूखा नहीं मरता, हमारे हरिद्वार में कोई भूखा नहीं मरता। उड़ीसा में मर जाओ मैं, महाराष्ट्र में मरेंगे, कर्नाटका में भूख से मरेंगे, बनारस में अन्नपूर्ण का स्थान है वहां कैसे, बनारस में भी चाहे जितना हो कहीं ना कहीं से उनको भोजन मिल जाता है। हरिद्वार में आज तक भूख से कोई नहीं मरा है, भूख से कोई नहीं मरता ये गंगा, और हजारों आदमी हैं जो धेले भर का काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते हजारों आदमी, और बढ़िया बढ़िया खाते हैं। हमारे यहाँ बंदे पर पे एक बार हम एक संत के साथ जा रहे थे घूमने बंदे पर से, तो जलेबियां पड़ी थी वही बंधे के किनारे, किसी के यहाँ भंडारे में बटा था बच गया था तो उसको फेंक दिया होगा, जलेबियां पड़ी थी और कौवा वहां पर जो है इकट्ठे थे, कुछ कौवा खा रहे थे कुछ नहीं खा रहे थे। तो उन्होंने हमसे कहा महाराज देखो ये हरिद्वार है यहाँ जलेबी तो कौवा भी नहीं खाते। अब बेचारे जो है मेहनत कर करके परेशान हो जा रहे हैं, उनको मिलते ही नहीं। तो अगर ये कहे कि सब छोड़ करके बैठ गया कर्म संन्यास और कर्मयोग में क्या ठीक, तो भगवान ने कहा कर्मयोग, लेकिन कर्म संन्यास के साथ ज्ञान प्राप्त करे तो उसकी कोई तुलना, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। देखो हम जब कहते हैं सांख्य शब्द, देखो दूसरे अध्याय का नाम दिया था सांख्ययोग, यहां पर भी चौथे श्लोक में कहा था सांख्य, ठीक है, पांचवें श्लोक में भी भगवान ने शब्द प्रयोग किया यत सांख्य। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान अपेक्षा तु संन्यासः सांख्यम इति मया अभिप्रेतः। जब हम सांख्य शब्द प्रयोग करते हैं तो सांख्य मतलब होता है ज्ञान, सवेरे भी समझाया था मैंने, सांख्य मतलब ज्ञान, तो ज्ञान के सहित संन्यास की बात मैं करता हूं, ज्ञान के साथ संन्यास की बात करता हूं। ज्ञान अपेक्षा तु संन्यासः माने संन्यास के साथ ज्ञानी भी, तब तो क्या कहना। तो इति मया अभिप्रेता, मेरा यही मतलब है, और कह रहे परमार्थ योगा सच एव, वही परमार्थ मार्ग है। परमार्थ योगा माने परमार्थ मार्ग, असली रास्ता वही है, ये शास्त्रीय रास्ता है कि संन्यास लेकर के तत्व का चिंतन करना चाहिए।
ये परमार्थ योग वही है। अब देखो कर्म, तो अब यहां दो विभाग हो गया इस पैराग्राफ में, कर्म संन्यास और सांख्य, दो बात कर दिया ना। कर्म संन्यास माने केवल छोड़ करके सब बैठ गया, और सांख्य माने ज्ञान के साथ संन्यासी। अब नीचे देखो फिर कर्मयोग का विभाग करते हैं। सातु कर्म योग वैदिक स तादर्थ्यात योग संन्यास इति च उपचर्यते। कह रहे सातु कर्मयोग, कर्मयोग हम किसको कह रहे हैं? सातु कर्मयोग वो कर्मयोग कहा जा रहा है। तो ये जो संसार में गृहस्थी आदमी मेहनत कर रहा है उसको हम कर्मयोग नहीं कहते। दिन भर उसने मेहनत किया, कमाया, खाया, ठीक है, किसी का घर नहीं जलाया, किसी को जहर नहीं दिया, अनीति नहीं किया, लेकिन परिश्रम किया। ज्यादातर संसार में लोग ये कहते हैं, दुनिया में लोग ये कहते हैं, ईमानदारी से हम कमाते हैं, ईमानदारी से हम खाते हैं, हम चोरी बेईमानी नहीं करते, महात्माओं से तो हम ही अच्छे हैं, ऐसा संसार में बोल देते हैं। तो ये जो लोग संसार में परिश्रम कर रहे हैं उसको हम कर्म कहते हैं, कर्म योग नहीं है। कर्मयोग किसको कह रहे हैं? हाँ, सातु कर्मयोग उसको कर्मयोग कहते हैं। कौन? वैदिक सा। वैदिका माने वेद और शास्त्र के द्वारा बताया गया जो कर्म है वो करेगा, तब हम कहेंगे उसको वैदिक सा। एक श्लोक हमने बार बार पढ़ा, सुख दुखे समय कृत्वा आलाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं भवसि, है ना। कर्मण्डे वाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। फिर इसके नीचे वाला श्लोक होगा, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग। उसको कर्मयोग कह रहे हैं। योगस्था योग में अवस्थित होके, योगस्था कुरु कर्माणि योग में अवस्थित होके कर्म को करो। कैसे? संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़ करके, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा सिद्धि में और असिद्धि में, सफलता में असफलता में मन को सम रख करके करते हो तो उसको हम कहते हैं कर्म योग, ठीक है ना। तो संसारी आदमी जो करता है वो कर्म है, और जो वैदिक करता है शास्त्र के अनुसार करता है वो कर्म योग, ठीक है ना। अब समझ में आना चाहिए। तो ये ज्ञान सहित जो सन्यास है, ज्ञान सहित सन्यास वो लक्ष्य हो गया, वो परमात्मा तक ले जाता है। और एक कर्मयोग जो है शास्त्र के अनुसार किया गया कर्म हमको तैयार करके वहां पहुंचा देता है। क्या क्या बढ़िया बात है। जैसे प्राइमरी स्कूल वाला तैयार करके हमको हाई स्कूल में पहुंचा देता है, ये दोनों एक ही हो गया। क्या कर रहे हो? बोले पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम विद्यार्थी हैं। कब? बोले हाई स्कूल में है तब। कौन हो? विद्यार्थी है। फिर इंटर में चले गए तो कौन हो? बोले अभी भी विद्यार्थी है। हाई स्कूल ने तैयार करके हमको इंटर में पहुंचा दिया, इंटर ने तैयार करके हमको कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए भेज दिया, यही है ना। तो ऐसे ही एक कर्म योग तैयार करके और हमको इस ज्ञान वाले संन्यास में प्रवेश करा देता है, कितनी बढ़िया बात है। इसलिए दोनों एक है, इसलिए दोनों एक है। सा तादर्थ्यात योगा संन्यास इति च उच्चरते। तो सा माने वो कर्मयोग, तादर्थ्यात उसी अर्थ के अनुरूप होने पर, उस तत्व को मिलाने वाला होने पर उस कर्मयोग को भी हम संन्यास कह देते हैं। उपचर्यते, उपचर्यते माने हमने कहा जैसे प्रथम वर्ष में भी किसी को हमने डॉक्टर बोल दिया, अभी डॉक्टर हुआ नहीं लेकिन हमने उसको जैसे वो पढ़ने लगा तो हमने कह दिया कि अभी डॉक्टर है, वैसे उपचर्यते माने उपचार से, उस भावना के साथ। अब जैसे अब हमको तो जितने लाल कपड़े वाले आते हैं, मान लो सड़क पर, हम तो सबको कहते हैं आइए भगवान। कौन है? मंच पर अगर बैठ गए और मंच पर माइक लेकर के किसी ने कहा 5 मिनट में महाराज जी आशीर्वाद दें, तो हम क्या कहेंगे? मंच पे 15 महात्मा बैठे हैं। 15 महात्मा में से हमने सबका जो है नाम लिया, सब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों को मेरा प्रणाम। क्या कह रहे हो?
कैसे? क्योंकि सभी लाल वस्त्र में हैं, सभी संत हैं, आज नहीं तो कल कभी न कभी ये है पहुंच ही जाए। भले अभी ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, आज की स्थिति में ब्रह्मनिष्ठ ना हूं मैं, लेकिन अगर लगे हैं तो कभी न कभी पहुंचे। तो इसका क्या कहा हमने? उपचार से, उपचरते भविष्य वृत्ति से, भावी वृत्ति से, भावी वृत्ति से, ठीक है ना? भावी वृत्ति से समझ लो, कई बार होता है, कई बार कहा जाता है। कथम तादर्थ्या, इसको बात को कैसे कहते हैं भगवान? संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो, दुःखमात्मयोगतः, दुःखमात्मयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म, न चिरेणाधिगच्छति, न चिरेणाधिगच्छति। अब यहाँ पर जो संन्यास शब्द है ना, संन्यासहतु, अब यहाँ ज्ञान सहित संन्यास को लेना, एक तत्व दृष्टि से ज्ञान सहित संन्यास को। तो हे महाबाहो, हे अर्जुन, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान सहित संन्यास, संन्यास में दो भेद किया था, ज्ञान सहित संन्यास को प्राप्त करना अयोग्यता, अयोग्यता माने जिसने कर्मयोग नहीं किया है उसके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। दुखम आप तुम, किसके लिए? अयोग्यता। देखो अब जैसे एक आदमी सीधे सीधे संसार में फंसा पड़ा है, संसार में फंसा पड़ा है, और वो आदमी ही आकर के जो है राग द्वेष से बना हुआ है, शत्रु मित्र भाव भी है, धन संपत्ति से मोह आसक्ति भी है, संसार में अपना कर्म करता है, और एक दिन आकर के हमसे कहे महाराज संन्यास दे दो, मान लो ऐसा कहे कि संन्यास दे दो, अगर अगर उसने सत्संग ज्यादा नहीं सुना था, निष्काम भाव से कर्मयोग नहीं किया था, सेवा साधना नहीं किया था गृहस्थी में, क्या गोस्वामी जी लिखते हैं, नारी मुई घर संपत्ति नासु मूढ़ मुड़ाय भये, याद आए चौपाई? पत्नी मर गई, घर में जितना धन संपत्ति सा सब का सब नष्ट हो गया, चोरी हो गया, छीन लिया, जल गया, अब उसके बाद क्या हुआ? बोले महाराज हमको तो संन्यास दे दो। हम पूछे जिंदगी में कभी कुछ अच्छा काम किए थे? कभी आपने प्याऊ लगाया? कभी आपने लंगर चलाया? कभी आपने मन को शांत रख करके अच्छे काम यज्ञ आदि कराया, सत्संग वगैरह किया? बोले नहीं महाराज, बढ़िया ईमानदारी से नौकरी किए थे बस। तो ऐसा आदमी जो संसारी वाले कर्म में फंसा था, एक दिन संन्यास लेके अगर ज्ञान को चाहे तो अचानक ज्ञान की प्राप्ति ही बड़ा कठिन होगा। दुखम आप तुम अयोग्यता, दुखम आप तुम, अब यहां समझना, ये हमने जो विभाग किया था ना, याद रखना, एक कर्म करने वाला और एक कर्मयोगी, एक कर्म सन्यासी और एक ज्ञान के साथ सन्यासी, ठीक है ना? ये जो कर्म करने वाला है संसारी, ये कर्म करने वाला अगर सीधे यहां ज्ञान वाले में पहुंचना चाहे छलांग लगा के, तो दुखम आप तुम, बहुत कठिन है। तो तरीका क्या है? ये जो संसारी कर्म करने वाला है, ये अगली सीढ़ी पे चढ़े निष्काम कर्मयोग करे। इसलिए कहा भगवान ने योग युक्त तुम। अब देखो योग युक्त माने, अब संसारी कर्म करने वाला पहले आ जावे निष्काम कर्म योग में, जब निष्काम कर्म योग में आ जावेगा तो मन उसका हो जाएगा शुद्ध, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंदर से राग द्वेष मिट गया, तब समत्व में आ गया, तब नचिरेण, फिर देर नहीं होगा, फिर सीधे ज्ञान में प्रवेश कर जाएगा। कितनी आसान सी बात है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अब ये हमको आपको अगर ठीक ठाक समझे तो समाज में ऐसा दिखाई पड़ता है, समाज में ऐसा दिखता है और है अभी भी है। हम महात्माओं की परंपरा में भी अगर गौर से विचार करेंगे तो ये सब दिखाई पड़ता है। अब एक मान लो एक बात है,
कि जो बचपन में इस मार्ग पर आ गए उनके लिए क्या कहें, बचपन में ही आकर के और ज्ञान के मार्ग पे आ गए, उन्होंने ना तो कर्म वाला कुछ किया, पहला वाला भी नहीं किया, कर्म योग भी कुछ नहीं किया, कर्म भी नहीं किया, कर्म योग भी कुछ नहीं किया, और सीधे आकर के नैष्ठिक ब्रह्मचारी कर्म संन्यास और ज्ञान वाले में पहुंच गए। उनका क्या, तो शास्त्र में कहा गया ये सब के सब पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट, पूर्व के जन्म में साधना किए थे और किसी कारण से थोड़ा रह गया, कर्म नहीं समझा रहा। पहले साधना करते थे लेकिन किसी से मोह हो गया था, कहीं आसक्ति हो गई थी तो एक अनंगा आ गया था, कहीं मन में कोई कामना आ गई थी तो बाधा रह गया था, बेचारे मुक्त नहीं हो पाए थे वहीं पर, और उसी समय शरीर का जो है आयु, साधना कर रहे थे पूर्व में। ये दो शब्द याद रखना, कृत उपासक और अकृत उपासक, ये शब्द शास्त्र। कृत उपासक, कृत माने करके आए हैं, कृत माने पहले किया हुआ है, पूर्व के जन्म में, पूर्व पूर्व के जन्म में बहुत सारी उपासना और कर्म किया है और किसी एक आसक्ति के कारण, मोह के कारण वो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे और शरीर पूरा हो गया, उस समय आयु शरीर की पूरी हो गई, तब फिर उनको उसी, तो जैसे कोई आदमी अब केदारनाथ पे यात्रा पे जावे और रास्ते में कहीं पर वो सो जाए, जा रहा था केदारनाथ, रास्ते में सो गया, सवेरा हुआ, अब सवेरे उठ करके फिर यात्रा कहां से शुरू करेगा, जहां सोया था वहीं से ना, फिर से वहां से पहले से थोड़े शुरू करेगा। तो जितनी यात्रा कर चुका है उतनी यात्रा का नाश नहीं, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम ताप गच्छति, भगवान कहते हैं हे अर्जुन नहीं, इस साधना के मार्ग में जितना भी कोई कर लेता है वो सब का सब सुरक्षित रहता है, वापस नहीं आता, फिर वापस नहीं आता, उतना सब का सब आपका बिल्कुल सुरक्षित रहता है। जैसे कहते हैं एक पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो एक गेट वाल लगता है, एक लगता है उसमें से पानी जितना ऊपर चढ़ जाएगा फिर वो नीचे पानी नहीं आएगा, वाल है ना, अगर नीचे पानी आ जाए तो हमको प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ है मशीन में। तो ऐसे जितनी साधना कर चुका है उतनी साधना तक पहुंच चुका है और बीच में शरीर की आयु पूरी हो गई और वहां केदारनाथ पहुंचा नहीं, तब भगवान ने कहा दो तरह से ऐसे लोग होंगे, कौन, या तो फिर राजा के घर में पैदा होंगे और या तो फिर योगियों के घर में पैदा होंगे। और क्या कहा, तात्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व दैकम, तो पुरानी उनको याद आ जाएगी, वो पुराना वाला जो साधना किया था वो वहां बचपन में ही आ जाएगा जो कि पूर्व में किए थे और वहीं से उनकी यात्रा आगे जैसे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, पूरी हमारी परंपरा है महात्माओं की, बचपन से ही निकल जाते हैं। तो उन्होंने कर्म भी नहीं किया और कर्म योग भी यहां पर नहीं, रमण महर्षि मतलब यहां पर ना तो कर्म किए और ना ही कर्म योग किए और सीधे ज्ञान में प्रवेश कर गए, तो ये पूर्व में करके आए थे, ठीक है। और जो नहीं किया था पहले उसको यहां सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ेगा, पहले घर में पैदा हुआ कर्म किया, फिर थोड़ा सत्संग सुनेगा तो कर्मयोग करेगा, फिर अंतःकरण शुद्ध होगा तो आगे बढ़ेगा, इसको हम कहते हैं अकृत उपासन। अकृत माने पहले किया हुआ नहीं था, तो सब यहां से शुरू करना पड़ेगा उसको। तो तुम लोग तो एक तरीके से सब योग भ्रष्ट ही हो, बस अब फिर से योग भ्रष्ट मत हो जाना अब फिर से योग भ्रष्ट हो गए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और क्या, पहले कुछ रह गया था तो आ गए यहां पर, अब बचपन से इस मार्ग पर आ गए और फिर से अगर फंस गए तो फिर से फंस गए, फिर से मरो जन्म हमको क्या, जन्मत मरत दुसाह कोई ना निकलना। तो हम इस श्लोक का अर्थ हो गया संन्यासस्तु हे महाबाहो, संन्यास या ज्ञान के सहित जो संन्यास है वह अयोग्यता
जिसने कर्म योग नहीं किया निष्काम भाव से उसके लिए दुखम आप तुम बड़ा कठिन हो जावेगा। और योग युक्त तो जिसने निष्काम भाव से कर्म किया है वो ऐसा मुनि वह ब्रह्म तत्व तक बहुत जल्दी न चिरे देरी नहीं बहुत जल्दी अधिगच्छति प्राप्त कर लेगा परमात्मा को जना लेगा। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल क्लियर ना। संन्यासा तु पारमार्थिको दुखम आप्तुम प्राप्तुम अयोगतो योगेन बिना। कितना स्पष्ट है संन्यासा तु जो इस श्लोक में संन्यास शब्द है उसका मतलब क्या पारमार्थिको। पारमार्थिको माने परमार्थ चीज ज्ञान के सहित वाले तत् परमात्मा ने तत्व का ज्ञान वास्तविक। तो यहां ऊपर संन्यास शब्द लिखा है तो उसको केवल कर्म संन्यास ना समझ ले बल्कि पारमार्थिका ज्ञान के सहित वाला संन्यास वो दुखम आप्तुम प्राप्तुम अयोग तो निष्काम कर्म योग के बिना बड़ा कठिन हो जाएगा। निष्काम कर्म योग के बगैर मन शुद्ध ही नहीं होगा और संन्यास ले लेगा तो वहां संन्यास में भी जाकर के कहीं ना कहीं फंसेगा और क्या है मुश्किल है और क्या कठिन। योग युक्त अच्छा फिर नीचे की पंक्ति में जाओ योग युक्त माने केवल कर्म नहीं जो विभाग किया था कर्म में दो विभाग किया था केवल गृहस्थी वाला कर्म नहीं कौन शास्त्रीय कर्म वाला था। देखो कह रहे हैं योग युक्तों का अर्थ भगवान भास्कर कर रहे हैं थोड़ा विस्तार में कर रहे हैं वैदिकेन माने शास्त्र के द्वारा गीता उपनिषद के द्वारा बताए गए वैदिकेन कर्म योगे जो शास्त्र ने कर्मयोग को बताया है वो करता रहे वो गृहस्थी वाला नहीं हम अपना बेटा पोता पाल रहे थे वो वाला नहीं वैदिकेन कर्मयोगे शास्त्र के द्वारा बताए हुए कर्मयोग को जो करता है वो निष्काम कर्मयोग लेकिन कैसे करता है ईश्वर समर्पित रूपेण पहले भी आया था पांचवें श्लोक के भी भाष में आया था ईश्वर को समर्पित करके भगवान को अर्पित करके कर्म करता है और अपने लिए कोई फल नहीं चाहिए फल निरपेक्षेण युक्तो हमको कोई मां फलेश पदाचर हमको फल की कामना नहीं है मेरे कर्म से मेरे प्रभु प्रसन्न हो हम जो करते हैं इससे हे परमेश्वर आप प्रसन्न हो हे कृष्ण हे नारायण हम आपकी मर्जी के आपके प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ये साधक का बहुत बड़ा गुण है ये देखो एक तो वैदिकेन कर्मयोग माने शास्त्री दूसरे ईश्वर अर्पित बुद्धि और तीसरे अपने लिए कुछ फल नहीं चाहना जो मिल जाएगा हर इच्छा जो मिल जाएगा हमको जो जरूरत होगी परमात्मा समय समय पर हमारी व्यवस्था कर देते हैं। जब हम चाहते हैं तो बड़ा बड़ा संघर्ष होता है जीव जब चाहता है तो संघर्ष है और जब ईश्वर चाहते हैं तो बस तो क्या उनकी मर्जी है। इसको फिर कहते हैं राजी तेरी सब छोड़ देने जब तक मेहनत करता है लड़ता है तब तक गजेंद्र का छुटकारा नहीं है ग्रह से लड़ ले तू अपना लड़ ले जब सब छोड़ देता है तब तब भगवान उसकी रक्षा करते हैं ईश्वर का हमारा शरीर भी आपको अर्पित है हमारा सारा कर्म भी आपको हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए हम मंदिर भी जाते हैं भगवान की आरती करते हैं पूजा करते हैं स्तुति करते हैं पंडित जी ने कहा जो मनोकामना हो मांग लो हम कहें कोई मनोकामना ही नहीं है हम कुछ चाहते नहीं। संसारी आदमी तुरंत फरमाइश पकड़ाएगा भगवान को पूरी लिस्ट हाँ प्रभो लिस्ट नंबर एक लिस्ट नंबर दो हाँ पहले तो हमको जमीन मिल जावे फिर हमारा घर बन जावे फिर हमारा शादी विवाह हो जावे फिर बाल बच्चे हो जावे फिर नाती पोता भी हो जावे फिर और सब हो जावे फिर क्या कहते हैं सोने की चिड़ी पोता का भी पोता हो जावे फरमाइशों की कोई कमी नहीं और यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी शत्रु मर जावे ये भी हाँ धनम दे ही जन्म दे ही धनम दे ही जन्म दे यशो दे दुशो जय दुर्गा
दुर्गा सप्तशती नहीं आता। दुश्मन माने जो हमारा दुश्मन है उसको खत्म ही कर दो, कोई कामना नहीं, कोई कामना। क्या बढ़िया शब्द है, फल निरपेक्ष। युक्तो मुनि ऐसा जो है उसको यहां पर लिखा योग युक्ता, यानी निष्काम भाव से करने वाला कर्मयोगी। देखो तो योग युक्त तो इस प्रकार से शास्त्रीय कर्म, ईश्वर अर्पित भाव से समर्पित कर्म, अपने लिए फल की कामना न रखते हुए, और साथ ही साथ मुनि ही मननात ईश्वर स्वरूपस्य मुनि। इस श्लोक में मुनि शब्द है ना, तो मनन भी करता है, मननात मुनि। अभी परिभाषा है मननात, जो मनन करे उसी का नाम। किसका मनन करे? नहीं, हम तो सड़क का मनन करते हैं है ना, कई बार मनन करते हैं। आज सवेरे से शाम तक हो गया, सब्जी बेचने वाला आया नहीं, आज सफाई करने वाला जो है आया नहीं, मेहरी नहीं आई। और किसी काम करने वाले जो घर गृहस्थी लोग होते उनके यहाँ एक दिन मेहरी ना आ गई, घंटे भर मनन करते हैं, क्या हो गया, अखबार कहाँ गया। तो मनन करते हैं किसका? दुनिया का। यहाँ क्या कहा, मनन किसका करें? ईश्वर स्वरूपस्य, जो भगवान के स्वरूप का चिंतन करे उसी का नाम मुनि। मुनि माने मननात, मननात मुनि, मनन करने वाले का नाम मुनि। मनन किसका करे? ईश्वर स्वरूप, भगवान के स्वरूप का। अच्छा फिर देखो, मुनि ब्रह्म, ब्रह्म शब्द आया, ब्रह्म माने परमात्म ज्ञान लक्षण प्रकृतः सन्यासो ब्रह्म उच्यते, न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म ही परः इति श्रुते। यहां लिखा ना मुनिर ब्रह्मा श्लोक में, तो वहां कह रहे ब्रह्म माने परमात्म ज्ञान लक्षण, परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाना ही, परमात्मा के स्वरूप का बोध होना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको जाकर के घड़े के जैसा प्राप्त कर ले, क्योंकि ब्रह्म उत्पाद्य नहीं है, आप्य नहीं है, संस्कार नहीं है, विकार नहीं है। तो ब्रह्म कोई ऐसा कोई जब बाजार में नहीं रखा है। ब्रह्म माने क्या? परमात्म ज्ञान लक्षणत्व, परमात्मा के स्वरूप का बोध होना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। परमात्म ज्ञान, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना ही ब्रह्म की। वही ऐसा जो मुनि है ईश्वर के स्वरूप का मनन करता है और ब्रह्म तत्व का चिंतन करता है, उसी को यहाँ पर प्रकृता इस प्रकरण में, इस प्रसंग में सन्यासो ब्रह्म उच्यते, उसी को यहाँ पर सन्यास शब्द से प्रयोग किया गया है। योग युक्त तो देखो इस श्लोक पर देखना, योग युक्त तो निष्काम भाव से जो कर्म योग करता है, मुनि, मुनि माने मनन करता है ईश्वर के स्वरूप को, वो ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। सीधा शब्द, वो ब्रह्म की परमात्मा के स्वरूप का बोध कर लेगा। उसी बात करें, अब सन्यासो ब्रह्म उच्यते, सन्यास को ही ब्रह्म कहते हैं, न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्म ही परा, एक नास इस उपनिषद में लिखा है, इति श्रुते, ऐसा श्रुति होता है। अब अंत करते हैं, ब्रह्म परमार्थ सन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम न चिरेण क्षिप्रम एव अधिगच्छति प्राप्नोति अतो मया उत्तम कर्म योगो विशिष्यते। ब्रह्म, ब्रह्म माने परमार्थ सन्यासम, परमार्थ सन्यासम माने तत्व की दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से सन्यास, असली वाला सन्यास, केवल वेशभूषा वाला सन्यास नहीं, असली वाला सन्यास। उसमें निष्ठा कैसी बनी? परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षण, बाहर से भी सन्यासी और भीतर से ब्रह्म ज्ञानी, भीतर से ब्रह्म ज्ञानी। ऐसा कब हो जाएगा? ना चिरेण, देरी नहीं होगी, चिर माने देरी,
देरी नहीं होगी, क्षिप्रम एव अधिगच्छत, बहुत जल्दी प्राप्नोति प्राप्त कर लेता है। तो अगर वो निष्काम भाव से कर्म योग किया होगा तो बहुत जल्दी मनन करके इस परमात्मा तत्व का बोध प्राप्त कर लेगा, और निष्काम भाव से कर्म नहीं किया होगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आत्मा को जानना। इसलिए हमने कहा था कर्म योगो विशिष्यते, कर्म छोड़ के बैठ जाने की बजाय कर्म योग अच्छा, क्योंकि कर्म छोड़ के भी बैठ गया और तत्व का चिंतन भी नहीं करता तो यहां से भी गया और वहां से भी गया, ना कर खुदा ही मिला ना विशाले सनम, न इधर के रहे ना क्या कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का घर घाट कर। कर्म यहां से छोड़ दिया तो इस दुनिया में से भी गया, लोक परलोक गया, और तत्व चिंतन भी नहीं गया तो उसका आत्मज्ञान से वंचित हो गया। और अगर कर्मयोग करेगा तो निष्काम भाव से कर्मयोग करेगा, अंतःकरण शुद्ध होकर के प्राप्ति कर लेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कर्म संन्यास की बजाय कर्मयोग श्रेष्ठ। यदा पुनः अयम सम्यक दर्शन प्राप्ति उपाय तेन, अब यदा जब पुनः फिर से समझो, अयम सम्यक यह ब्रह्म तत्व की दृष्टि, परमात्म तत्व की दृष्टि कैसे प्राप्त होगी, ये जो असली वाला संन्यास है, असली वाला संन्यास वो कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, इसका उपाय करना चाहिए। अब इसका उपाय, अब ये आगे जो बात आ रही है ना, इसमें देखना, ये निष्काम भाव से कर्मयोगी के लिए आ रहा है, ये अगला वाला श्लोक निष्काम कर्मयोगी के लिए आ रहा है, और निष्काम कर्मयोगी करते करते तत्व ज्ञानी हो जाएगा, जब तत्व ज्ञानी हो जाएगा तो क्रिया वैसे होती रहेगी लेकिन अब उसका चित्त आत्मस्वरूप से युक्त हो जाएगा। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते, योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो ऊपर के श्लोक में भी था ना, योग युक्तो, यहां भी आया योग युक्तो, तो योग युक्तो को वही तीन अर्थ ले लो, वही तीन अर्थ लगाओ, कौन सा, वैदिकेन कर्मयोगेन, शास्त्र के द्वारा बताए हुए कर्मयोग को करना, फिर ईश्वर अर्पित भाव से कर्म करना, और अपने लिए कोई फल की कामना, यही तीन बताया था ना ऊपर, यही अर्थ हुआ ना, कि निस्वार्थ भाव से अपना कोई स्वार्थ नहीं है, भगवत अर्पण बुद्धि से शास्त्र के कर्म को करने वाला, तो माने निष्काम कर्मयोगी कैसा होगा, विशुद्धात्मा, जब निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, यहां आत्मा माने अंतःकरण, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब कैसा होगा, विजितात्मा, विजितात्मा माने अपने आप पर विजय हो जाए, स्वयं पर विजय पाना बहुत मुश्किल है, अगर हमारी साधना के अनुकूल नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे, हम बार बार कहते हैं इसको ध्यान रखना, आपके साधना के जो अनुकूल है वही आपके लिए अच्छा है, वही आपका कल्याण करेगा, और आपकी साधना में आपके आगे बढ़ने में जो रोक लगाता है, बाधा है, वही आपके लिए सबसे बड़ा दोष है, वही दोष है, हे उपाधि, बस ये समझना चाहिए, अच्छा क्या बुरा क्या, अच्छा क्या, अच्छा क्या, बोले आपकी साधना को आगे बढ़ाने में जो जो आपका ठीक है वही अच्छा है,
और जो जो व्यवहार आप करते हो उसमें आपकी साधना रुक जाती है, वही बुरा है, वही बुरा जो आपको रोक लेगा ना, आपकी गति को रोक लेगा, वही बुरा है और क्या। तो विजित आत्मा, विजित आत्मा, आत्मा का एक अर्थ शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ ये शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ प्राण भी होता है, आत्मा का अर्थ अंतःकरण भी होता है, आत्मा का अर्थ शुद्ध चेतन भी होता है, आत्मा का अर्थ चिदाभास भी होता है। तो हमको उसके प्रकरण के अनुसार अर्थ लेना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों बार आया विशुद्ध आत्मा, देखो विशुद्ध आत्मा आया ना, विशुद्ध धन आत्मा, तो विशुद्ध आत्मा माने अंतःकरण निर्मल है, और विजित आत्मा माने उसका अपने शरीर पर विजय है, क्योंकि इंद्रिय शब्द आगे आ रहा है, तो इंद्रिय शब्द आगे आ रहा है, तो यहां विजित आत्मा माने जीत लिया है आत्मा को जिसने, आत्मा को जिसने जीत लिया, तो कौन सी आत्मा को, शरीर, शरीर पर उसका विजय है। बिना मतलब के टांग नहीं हिलावेगा, बिना मतलब के हाथ नहीं हिलावेगा, बिना मतलब के बोलेगा नहीं, बिना मतलब के जो है वो व्यवहार नहीं करेगा। ये थोड़े है कि बैठे बैठे ही जो है चार बार जो है ऐसे ऐसे करे, गर्दन तोड़े, हाथ हिलावे, ये सब सही नहीं होता। पता नहीं कुछ शरीर में कुछ इतना ज्यादा बल है ना, वो जैसे हाथी हो और थोड़ा बिगड़ जावे, शराब पी ले हाथी, तब जो है उसको कहते मतवाला हाथी, ऐसे थोड़े होनी चाहिए। विजित आत्मा, यहाँ विजित आत्मा का तो शरीर पर विजय सीधा सीधा, क्योंकि देखो अंतःकरण शुद्ध हुआ उसके लिए कहा विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा माने शरीर पर विजय, और जितेंद्रिया माने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों पर उसका नियंत्रण, तो तीनों आया ना नियंत्रण हो गया। ऐसा महापुरुष सार्वभूत आत्मा, सार्वभूत आत्मभूत आत्मा, सार्वभूत, सार्वभूत आत्मभूत आत्मा, सार्वभूत माने सारे प्राणियों में, सार्वभूत माने ब्रह्मा से लेके चींटी तक में समस्त प्राणियों में कैसा होगा, आत्मभूत सब में मैं ही हूं, इस भाव के साथ उसका जीवन है। सारा जगत सब मुझ में है और मैं, ऐसी दृष्टि हो जाएगी, तब कौरवन अपि न लिप्यते, फिर कर्म करते हुए भी लिपायमान, जब ये दृष्टि हो जाएगी तब इस अवस्था को प्राप्त कर लेगा योगेन युक्तो। अब यहां पर विस्तार में नहीं, इस योग युक्तो को ऊपर लिख दिया है भाष्यकार ने, तो यहां उसको नहीं विस्तार किया। योगेन युक्तो यानी जो योग से युक्त है उसी का नाम हुआ योग युक्तो। विशुद्धात्मा विशुद्ध सत्व, ठीक है ना, विशुद्ध सत्व माने अंतःकरण, अंतःकरण। विजितात्मा माने विजित देह, शरीर पर उसका विजय। जितेंद्रिया क्या, जितेंद्रिय का अर्थ अपने आप समझ लो, इंद्रियों पर उसका विजय पूरा का पूरा। सार्वभूत आत्मभूत आत्मा, इसका विस्तार में करते हैं, सर्वेशां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंतानां भूतानां आत्मभूत आत्मा प्रत्यक्ष चेतनो यस्य सा सर्वभूत आत्मभूत आत्मा सम्यक दर्शी इत्यर्थ। कहें देखो सर्वेशां, सर्वेशां कहां, सब कुछ, सब कहां तक, ब्रह्मादीनां, ब्रह्मा से लेके अस्तम पर्यंतम, सबसे छोटा वाला जीव, अस्तम माने क्षुद्र जीव, छोटा वाला जीव, मच्छर कह दो, चींटी कह दो, अमीबा कह दो, सबसे छोटा अस्तम पर्यंता नाम, समस्त भूता नाम, सारे प्राणियों में आत्मभूत आत्मा, सब में अपनी ही आत्मा को देखे। सबकी आत्मा कैसी है, प्रत्यक्ष चेतना, मेरे भीतर जो प्रत्यक्ष चेतन है वही सबकी आत्मा है, जैसे मैं चेतन हूं वैसे वो चेतन है, उसका चेतन और मेरा चेतन अलग नहीं है, उसकी आत्मा और मेरी आत्मा अलग नहीं है। इस दृष्टि वाला जो प्राप्त है उसी का नाम है सर्वभूत आत्मभूता, माने सम्यक दर्शी इत्यर्थ, मतलब ठीक ठीक जानने वाला है, तत्व दृष्टि वाला है, असलियत को समझता है, मेरी आत्मा सब में है और मेरी आत्मा में ही सब कुछ है, ऐसा जानता है, ऐसा महापुरुष। देखो सा तत्र एवं वर्तमानो लोक संग्रहाय कर्म कुर्वन अपि न लिप्यते न कर्म भी बद्धते इत्यर्थः। सा तत्र ऐसा महापुरुष
एवं वर्तमानो, इस समय भी व्यवहार करता हुआ। वर्तमान माने, वर्तमान माने काल नहीं, वर्तमान माने काल नहीं, वर्तमान माने वर्तन करना, व्यवहार करना। जो व्यवहार होता है उसी से काल की पहचान होती है, इसको कहते हैं कालो नाम क्रम संधि। हाँ, तो यहाँ काल मत समझ लेना वर्तमान का। काल माने व्यवहार करता हुआ, क्रियाओं को करता हुआ। किस लिए काम कर रहा है, वर्तन किस लिए कर रहा है? कहते हैं ठीक ठीक वर्तन करो, ठीक ठीक व्यवहार। हाँ, तो व्यवहार करता हुआ भी किस लिए कर रहा है? लोक संग्रहाय कर्म। लोक संग्रहाय माने सबके हित के लिए। हाँ, वही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उसके लिए कर्म करता हुआ। कुर्वन् अपि, कर्म करता हुआ। न लिप्यते, कभी लिपायमान नहीं होता। उस कर्म से कभी उसको पाप और पुण्य प्राप्त नहीं होगा। जब पाप पुण्य नहीं प्राप्त होगा, लिपायमान नहीं होगा, तो कर्म भी न बध्यते, तो कोई कर्म उसको बंधनकारी नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है? सब में आत्मा है, आत्मा में सब है। फिर शरीर उसका योग युक्त है, अंतःकरण शुद्ध है, शरीर इंद्रियों पर उसका अपना नियंत्रण है। ऐसा अगर हो जाए तो क्या बढ़िया है, ऐसी बात हो जाए तो। आगे का ना जो श्लोक है, शायद आधी लाइन का श्लोक है ना, दो लाइन का है, लेकिन ये दोनों हम साथ है पढ़ लेते हैं, आप तो कल देख। नाचा असो परमार्थता करोति अतः, ऐसा महापुरुष परमार्थ दृष्टि से तो देखो कुछ करता ही नहीं, असलियत में तो कुछ करता ही नहीं। नैव किञ्चित् करोमीति, नैव किञ्चित् करोमीति, युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्, युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्, पश्यन् श्रुवन् स्पृशन् जिघ्रन्, पश्यन् श्रुवन् स्पृशन् जिघ्रन्, अस्नन् गच्छन् स्वपश्वसन्, अस्नन् गच्छन् स्वपश्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृहिणन्, प्रलपन् विसृजन् गृहिणन्, उन्निमिषन्निमिषन्नपि, उन्निमिषन्निमिषन्नपि, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु, वर्तन्त इति धारयन्, वर्तन्त इति धारयन्। इस श्लोक का ही अर्थ देखो, इस श्लोक पर ध्यान देना। भाष्य विवरण, ना एव किंचित करोम इति, कौन? तत्वित, तत्वित यहां पहले देखो, तत्वित, तत्वित, ना एव किंचित, मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, ऐसा मन्नेत, ऐसा मानता है। उसकी समझ में क्या है? मैं कुछ भी करने वाला ना एव, बिल्कुल कुछ भी करने वाला मैं नहीं हूं। कुछ भी कर, जो करने वाला होगा फिर वो कहेगा हमसे पुण्य हुआ कि हमसे पाप हुआ, फिर रोएगा। तत्व वेता कहता है मैं कुछ कर, ये तत्व ज्ञानी की दृष्टि है, साधक के लिए नहीं है। जब साधक, साधक और तत्व ज्ञानी में फर्क है, नहीं तो कहते हंस की चाल बकुला चले उसका टांगे टूट जाए, है ना। तत्व ज्ञानी ऐसा समझता है, साधक नहीं। क्या होता है, गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, गाड़ी चलाना सीखना शुरू कर दिया हमने, अब हमने दूसरे को गाड़ी चलाते देखा था, जो एक्सपर्ट था, कैसे गाड़ी चलाता था, एक हाथ में सिगरेट भी थी, रेडियो भी बज रहा था, एक हाथ से स्टेयरिंग चला रहा था, है ना, एक हाथ से चलाया जा रहा था, दाड़ 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 गाड़ी चली जा रही होता। अभी हमने कल एक गाड़ी में बैठे सीखने के लिए, हम भी वैसे चलावें, फिर जैसे वो चल रहा था वैसे हम चलावें, बोले बहुत बढ़िया चलाओ, सीधे पहुंचोगे ऊपर, यही ना। तो जो चलाना सीख गया है और जो सीख रहा है, दोनों की स्थिति में बहुत। अब ये श्लोक पढ़ करके आदमी साधक जो है कहे हाँ मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो चाहे जो बोल दू उसको पाप पुण्य, मरोगे फिर पाप। तो साधक को उपाय रूप में लेना चाहिए, जो सिद्ध हो गए उनकी बात अलग है, जो साधक हैं उनकी बात।
अभी तो आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, कायदे कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, विधि निषेध के अनुसार चलना पड़ेगा। शास्त्र बार बार आ रहा है ना, वैद्य के शास्त्रीय कर्म, तो शास्त्र ने जिसको मना किया है वो मत करो। तो शास्त्र ने तो ये भी कहा है, विजित आत्मा जितेंद्रिया, ये भी तो कहा है, ऐसा हो जाओ उसके बाद की बात है। हा? तो तत्व ज्ञानी की बात है, ये समझ लो लक्ष्य है, तत्व ज्ञानी की बात है। वो कहता है मैं कुछ भी करने वाला क्या क्या पश्यन, पश्यन माने आंख से देखता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। सुरोगन माने अब इंद्रियों को देख लेना, सुनता हुआ भी नहीं सुनता। स्पृहन माने छूता हुआ भी नहीं छूता। जिग्रन माने सुंघता हुआ भी, असनन माने खाता हुआ भी, गच्छन माने जाता हुआ भी, स्वपश्वसन माने कभी कभी हम सो भी लेते हैं, कभी कभी सो लेते हैं और तो फिर उसमें क्या सो लेते हैं, कभी सपना अपना भी देख लेते हैं, और कभी कभी ऐसी बात आ जाती है गुरुजी ने गांड दिया तो प्रलपन, रोता हुआ भी, प्रलपन माने रोता हुआ भी मैं असल में कुछ नहीं करता हूँ। विसर्जन छोड़ता त्यागता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। गृहण माने पकड़ता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। उन निमिषन माने आंख खोलता हुआ और आंख बंद करता हुआ भी मैं कुछ भी, सब कुछ करता हुआ भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। क्यों? इंद्रियाणि इंद्रियेषु, इंद्री अपने अपने विषयों में वर्तन्ते, व्यवहार कर रही हैं, ऐसा दृढ़ निश्चय है। इति धारयन, ऐसा तत्ववेत्ता समझता है। इसका भाव श्लोक हमने पढ़ लिया, दोनों श्लोक इसका भाव कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।